ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स इसके ऊपर करता है, डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड वैलेंसी। ठीक है, इसी दो चीज पर डिपेंड करता है ना केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर ग्रुप में जाओगे, किसी भी ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, क्योंकि ग्रुप नंबर ही बताता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, तो वैलेंसी भी सेम होगा। तो ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ग्रुप में क्या होगा, ये दोनों ही सेम रहेगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी दोनों क्या होगा, सेम रहेगा थ्रू आउट द ग्रुप। ठीक है ना, सेम इन ग्रुप। ठीक है, टॉप टू बॉटम। जैसे ग्रुप वन का एग्जांपल ले लो, ग्रुप वन में सारे का वैलेंसी वन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वन होता है, और ग्रुप वन का सारा एलिमेंट्स क्या कहलाता है, अल्कली मेटल्स, सारे के सारे अल्कली मेटल्स है ना ग्रुप वन में। ठीक है, ग्रुप टू में सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स यही ना बोलते हैं। तो ग्रुप वन में चाहे किसी भी ग्रुप में चले जाओ, टॉप टू बॉटम जब इन जनरल, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं है, सेम टाइप रिएक्शन देगा। क्यों, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और वैलेंसी भी सेम है। दोनों सेम क्यों है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वो सब पूरा ग्रुप में सेम रहता है, इसीलिए सेम रहेगा तो वैलेंसी भी सेम रहेगा, क्योंकि वैलेंसी तो डिपेंड ही करता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऊपर। ठीक है ना, तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सेम हो गया तो वैलेंसी भी सेम रहेगा, समझिए। अब हम लोग जो है पीरियड में हम लोग जाएंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता जाएगा, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहेगा, बदलता जाएगा ना पीरियड में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज है, लेफ्ट टू राइट एक एक करके बढ़ते जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से बढ़ना शुरू होगा, एक एक करके 8 तक बढ़ेगा, किसी में 18 तक बढ़ेगा, समझ गया ना। पहला ग्रुप में एक रहेगा इलेक्ट्रॉन और लास्ट 18th ग्रुप में सबसे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वन से वेरिएशन होते होते 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, है ना। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम हो रहा है, लेकिन चूंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो रहा है। आ गया समझ में, क्लियर। लेकिन वैलेंसी जो है उसमें वेरिएशन जो है एक स्मूथ नहीं रहेगा कि इंक्रीज ही होता है। ठीक है, जब हम वैलेंसी का क्या होगा, वैलेंसी का ग्राफ जो होगा ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, यहाँ मैक्सिमम होगा, यहाँ मिनिमम होगा, यहाँ मिनिमम होगा, ये वैलेंसी का ट्रेंड है। फर्स्ट इंक्रीजेस रीचेस टू ठीक है, पहले मिनिमम रहेगा, इंक्रीज करेगा,
रीचेस टू मैक्सिमम एंड अगेन इट रीचेस टू मिनिमम, ऐसा क्यों होता है? लेफ्ट साइड में मेटल है, किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ग्रुप वन से स्टार्ट करेंगे और 18 तक जाएंगे, तो ग्रुप वन में क्या मेटल है, ग्रुप टू में भी मेटल है, ग्रुप 13 से नॉन मेटल स्टार्ट होता है, ग्रुप 12 तक तो मेटल ही रहता है ना, आया बस उनमें, तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट साइड में रहेंगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, ग्रुप वन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप टू में 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप थ्री में 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो बैलेंस ही क्या होता है, जो ग्रुप नंबर रहता है वही होता है 1, 2, 3, समझ गया ना। तो पहले क्या होगा, बैलेंस ही इंक्रीज करेगा क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर है, इसलिए जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको वो रिलीज करेगा, इसलिए 1, 2, 3 फिर 4 आएगा, यहाँ तक मैक्सिमम हो गया, 4 जैसे ही पहुँचेगा उसके बाद नॉन मेटल आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, नॉन मेटल है ना, बैलेंस ही 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 आ गया, ठीक है ना, यहाँ तक मैक्सिमम हो गया, तो 1, 2, 3, 4 4 तक जाएगा मैक्सिमम, और जैसे ही 4 पहुँचा नॉन मेटल आ गया, उसके बाद जो बैलेंस ही डिक्रीज होने लगा क्योंकि उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, ठीक है, कुछ एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बैलेंस ही फिर 3 हो गया। लेफ्ट से साइड जब राइट जा रहे हैं मैक्सिमम जा रहा है तो वहाँ पॉजिटिव बैलेंस ही जा रहा है ना, है ना, इलेक्ट्रो बैलेंस ही पॉजिटिव हो रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, फिर 4 में शेयरिंग हो गया, है ना, उसका कोवैलेंस ही हो गया 4 पर, वो शेयरिंग कर लिया ना, लॉस किया ना गेन किया, और फिर जैसे ही किसी का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर लिया, तो बैलेंस ही फिर 3 हो गया, 4 से घट गया 3 हो गया, उसके बाद जो है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, 8 हो गया, तो उसका बैलेंस ही -2 हो गया, फिर बैलेंस ही घट गया, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बैलेंस ही फिर 1 हो गया, तो ग्रुप 1 का भी बैलेंस ही 1 होता है, ग्रुप 17 का भी बैलेंस ही 1 होता है, आया बात समझ में, ग्रुप 2 का बैलेंस ही 2 होता है, ग्रुप 16 का बैलेंस ही भी 2 होता है, समझ गया ना, ग्रुप 3 का बैलेंस ही 3 होता है, ग्रुप 15 का भी बैलेंस ही 3 होता है, आगे बात समझ में। तो पहले क्या हुआ, ट्रेंड क्या होगा कि क्योंकि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन में चेंज आ रहा है इसके कारण क्या होगा, बैलेंसी भी चेंज होगा, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है इसलिए बैलेंसी भी चेंज होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ध्यान देंगे तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेज आ रहा है जिसके चलते बैलेंसी चेंज हो रहा है। तो बैलेंसी कैसे चेंज हो रहा है, पहले बैलेंसी 1 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम 4 तक जाता है, फिर डिक्रीज होना शुरू होता है, मिनिमम 1 तक जाता है, अब ग्रुप 18 तो बाद में 0 हो जाता है, समझ गए। तो ये ट्रेंड हो गया तुम्हारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी का, समझ में आ गई बात, हाँ। तो वेरिएशन इन पीरियड हो गया ये, और इधर हम लोग बताया वेरिएशन इन ग्रुप, दोनों समझ में आ गया, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी। अब किसी चीज का केमिकल रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है ये बताओ, किसी चीज का केमिकल रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड, जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव है, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो उतना रिएक्टिव है, जितने आसानी से वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतना रिएक्टिव है, समझ गए। तो मेटल का जो रिएक्टिविटी देखने का आइडिया अलग है, नॉन मेटल का रिएक्टिविटी देखने का आइडिया अलग है, तो मेटल और नॉन मेटल दोनों का रिएक्टिविटी हम अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में सब मेटल रहता है ना, ग्रुप 1 से 12 तक मेटल है ना, और नॉन मेटल किधर है, ठीक है ना, ग्रुप 13 टू 17,
इसका रिएक्टिविटी होता है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। मेटल का अब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं रिएक्टिविटी, ठीक है ना, रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं। तो मेटल का रिएक्टिविटी जो डिपेंड करता है वो मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर होता है। मेटल का रिएक्टिविटी मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर है और नॉन मेटल का रिएक्टिविटी नॉन मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रिएक्टिविटी भी बढ़ेगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है। अगर हम ग्रुप में जाएं टॉप टू बॉटम, ठीक है, ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। समझ गए, आई बात समझ में? बिकॉज रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मेटालिक कैरेक्टर। और इधर जब हम ग्रुप में आते हैं नॉन मेटल के केस में टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना ये। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी डिक्रीज है बिकॉज रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ग्रुप में ही दो तरह का एक्टिविटी दिख रहा है ना, इस साइड टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, इस साइड टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया ना, क्लियर। अब हम लोग पीरियड में जाएंगे, तो पीरियड में तो अलग से देखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो क्या होगा, पहले जो होगा मेटालिक कैरेक्टर शुरुआत में ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी हाई होगा। समझ गए, ये समझ गए। अब हम लोग चलते हैं पीरियड, पीरियड में लेफ्ट साइड में यहां मेटालिक कैरेक्टर होता है और यहां पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर मैक्सिमम होता है। इधर मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप वन के पास है, सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप वन के पास है, उससे थोड़ा सा कम मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप टू के पास है, उससे थोड़ा कम मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप थ्री के पास है, क्योंकि टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, होता है डिक्रीज, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा कि नहीं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जाएगा कि नहीं, यानी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। समझ गया, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है, आई बात समझ में? यहां मेटालिक कैरेक्टर मैक्सिमम है तो क्या होगा, शुरुआत में रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा, शुरुआत में रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट साइड में ज्यादा है, उसका मेटालिक कैरेक्टर घटने लगेगा, मेटालिक कैरेक्टर मैक्सिमम होगा यहां पर। समझ गए, तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, यहां मिनिमम हो जाएगा मेटालिक कैरेक्टर, और यहां पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी साथ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर घट जाएगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा। यानी रिएक्टिविटी मैक्सिमम है, रिएक्टिविटी यहां मैक्सिमम है क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर मैक्सिमम है, ठीक है, यहां पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर मैक्सिमम है इसलिए
रिएक्टिविटी उधर भी मैक्सिमम है और यहाँ रिएक्टिविटी मिनिमम आएगा, क्योंकि मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों लगभग इक्वल है यहाँ बीच में, तो रिएक्टिविटी दोनों का मिनिमम है। नॉन मेटल के चलते भी रिएक्टिविटी मिनिमम है, और क्योंकि यहाँ पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी मिनिमम लेवल पर है, मेटालिक कैरेक्टर भी मिनिमम लेवल पर है, तो रिएक्टिविटी मिनिमम लेवल ही आएगा। ये पोजीशन पर एम्फोट्रिक टाइप का होता है, तो रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज होगा, रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज होगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज होगा और मिनिमम लेवल पर रिएक्टिविटी चला जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहां से नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करने लगेगा, तो रिएक्टिविटी नॉन मेटालिक कैरेक्टर पर ट्रांसफर हो जाएगा और फिर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा और यहाँ मैक्सिमम होगा। तो ग्रुप वन का रिएक्टिविटी जो है मैक्सिमम होता है और इधर ग्रुप 17 का रिएक्टिविटी मैक्सिमम होता है, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। समझ गया ना? तो जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं पीरियड में तो क्या होता है, रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज होता है, स्लोली एंड स्लोली मिनिमम लेवल पर आ जाता है, फिर मिनिमम लेवल पर रिएक्टिविटी आने के बाद फिर इंक्रीज होने लगता है रिएक्टिविटी, और फिर लास्ट में ग्रुप 17 में मैक्सिमम होता है। आगे बात समझ में? इसीलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के एलिमेंट के बीच में जब रिएक्शन होता है तो फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, इंस्टेंट रिएक्शन होता है तुरंत, क्योंकि दोनों ही हाईली रिएक्टिव है, ग्रुप 17 और ग्रुप 1 दोनों ही हाईली रिएक्टिव है। समझ में आया ट्रेंड? समझ में आया रिएक्टिविटी का, है ना? तो स्मूथ नहीं है, इसमें उनको बताना पड़ेगा कि अब इस साइड रीजन अलग है, यहाँ से रीजन अलग है, यहाँ से यहाँ रीजन मेटालिक कैरेक्टर है, यहाँ से यहाँ रीजन नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, तो तुमको ये सब लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो पहले ग्रुप में देख लेते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटल के तरफ, फिर नॉन मेटल के तरफ। तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है कि नहीं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, पहले ही जान गए, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स होता ही है बेसिक, मेटल ऑक्साइड क्या होता है? नॉर्मली बेसिक होता है, 100% परफेक्ट नहीं है कि बेसिक ही होता है, इम्पॉर्टेंट भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, टेंथ में बताया जा चुका है ना? जनरली क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होता है, तो टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन मेटल का बढ़ेगा, है ना? ज्यादा से ज्यादा वो बेसिक कैरेक्टर आया तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ जाएगा। बेसिक कैरेक्टर ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। समझ में आ गया? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आगे बात समझ में? अब ये तो एसिडिक ऑक्साइड होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड ये एसिडिक इन नेचर होता है, ऐसा होता है एसिडिक, तो टॉप टू बॉटम जब आएंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है ना, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा कि नहीं? एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स डिक्रीज है। ठीक है, एज यू मूव डाउन द ग्रुप, एज यू मूव डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर वुड डिक्रीज इन केस ऑफ ग्रुप 13 टू 17। ठीक है ना, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है,
नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा। आ गया बात समझ में? ठीक है। और इधर क्या हुआ, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है और इधर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। आगे बात समझ में? टॉप में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और इधर उल्टा होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है टॉप टू, यानी सबसे टॉप में बेसिक कैरेक्टर कम रहेगा और बॉटम पर बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का आ गया समझ में? ठीक है। बेसिक क्या होता है, भूल गए? पानी में जब घुलाते हैं मेटल ऑक्साइड को, जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है, इसलिए वो बेसिक है ना। एसिड का डिफिनेशन क्या बताया गया है, हाइड्रोजन आयन जो रिलीज करे वो एसिड है और हाइड्रोक्सिल आयन जो रिलीज करे वो बेसिक है। तो ये मेटल ऑक्साइड है, जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये OH- आयन रिलीज करता है। आई बात समझ में? यानी ये सब में बेसिक कैरेक्टर है और इस सब को जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये H+ आयन रिलीज करता है। ये क्या रिलीज करता है, H+ आयन, ठीक है ना। तो जब H+ आयन रिलीज करेगा तो एसिडिक होगा, जब OH- आयन रिलीज करेगा तो बेसिक होगा। आगे आवाज समझ में कि नहीं, क्लियर? ठीक है। और भी डेफिनेशन है एसिड और बेस का, वो पढ़ोगे फेज इक्विलिब्रिया चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। नॉर्मल डेफिनेशन यही है कि जब मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए बेसिक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर डिजॉल्व हुआ तो कार्बोनिक एसिड बना, सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो गया तो सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हुआ तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाएगा, ठीक है ना। आगे समझ में? क्लियर। अब हम लोग जो है पीरियड में देखेंगे कि ये मेटल, ये जो ऑक्साइड का कैरेक्टर कैसे चेंज होता है। तो पीरियड में भी कॉन्सेप्ट तो यही चलेगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट वाला जो भी है इसके पास बेसिक है ना, और राइट साइड जिधर नॉन मेटल है इसके पास एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है हाँ? तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, ठीक है ना, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और मिनिमम लेवल पे आ जाएगा, बेसिक कैरेक्टर मिनिमम लेवल पर आ जाएगा। जब बेसिक कैरेक्टर मिनिमम लेवल पर होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी यहाँ मिनिमम लेवल पर आ जाएगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है ना तो एसिडिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहाँ मिनिमम लेवल का एसिडिक कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक। ये हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ बेसिक ऑक्साइड है, वो बेसिक ऑक्साइड का कैरेक्टर धीरे धीरे घटता जाएगा, यहाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, मतलब ये जो होगा ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा जो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ एसिडिक कैरेक्टर भी है और बेसिक कैरेक्टर। इसके बाद जो है इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ आके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड मिल गया, तो ऑक्साइड का है ना, ऑक्साइड का पीरियड में वेरिएशन क्या है कि पहले बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, डिक्रीज करते करते एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बाद वो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करने लगता है। तो ये वेरिएशन हुआ पीरियड में ऑक्साइड का, समझ गए हाँ। और इसी के साथ इस चैप्टर से छुटकारा मिलता है।
ठीक है, समझ गए कि नहीं?